आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने मोबाइल या कैमरे से जो भी फोटो क्लिक करते हैं उन सभी से पैसे कैसे कमा सकते हैं। सो गाइज, मैं हूं परवेज खान और आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि फोटो का जो नॉर्मल यूज होता है तो आप गूगल से तो डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन कमर्शियल यूज के लिए आपको फोटो को जैसे कि न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल या कोई भी यूट्यूब चैनल हो जिसके लिए आपको इमेज को परचेस करना पड़ता है, तो वो परचेस कहाँ से किया जाता है और आप अपनी फ़ोटो को अपलोड करके आप खुद वहाँ से अर्निंग्स कर सकते हैं, यानी कि दूसरा आपकी फ़ोटो को परचेस करेगा तो उन सभी का पैसा आपको मिलेगा। ये कैसे किया जाता है चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। पिक्सी साउथ एशिया लार्जेस्ट स्टॉक फोटो कंपनी है जो फोटो अपलोड करने की आपको पैसे देती है, तो इसके बारे में हम अब जानेंगे। यहाँ पे आप इसे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी आपको फ़ोटो देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसे और ज़्यादा सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे सर्च फोटो कर सकते हैं और यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करके ये भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स की फ़ोटो है। इसके बाद अगर आपको कोई वेजिटेबल्स या ड्राई फ्रूट्स की फ़ोटो चेक करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप आसानी से इसे परचेस कर सकते हैं। जैसे कि न्यूज़ रिपोर्टर या न्यूज़ चैनल, अखबार या कोई भी वेबसाइट होती है, वो अपनी फ़ोटो यूट्यूब चैनल के लिए फ़ोटो जो लगाना होता है यूज़ करने के लिए, तो वो परचेस की जाती है, क्योंकि ये सभी कमर्शियल यूज़ की फ़ोटो होती हैं इसलिए इसे परचेस किया जाता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और बाय सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके आप यहां से इसे खरीद सकते हैं। इन चीज़ों को खरीदने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहां से आपको अपना नाम भरना है, लास्ट नेम भरना है, उसके बाद एक यूज़र नेम देंगे आप, और यूज़र नेम देने के बाद एक ईमेल आईडी देंगे, और ईमेल आईडी देने के बाद एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और साइन अप पे क्लिक कर देंगे। जैसे ये हो गया है सब कुछ, इसके बाद हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके एक ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगा, चलिए हम उस पर क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ से हम अपना जीमेल ओपन करेंगे। यहाँ से हमें एक ईमेल आईडी मिल चुका है, यहाँ पे हमें इसे यस दिस इज़ माय ईमेल एड्रेस पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ से ये वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ से ये वेरीफाई हो चुका है, अब हम आसानी से इसे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के लिए हमने आपको ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए जब आप इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे आई एम अ कस्टमर, आई एम अ फोटोग्राफर दिया है, तो यहाँ पे आई एम अ फोटोग्राफर पे क्लिक करेंगे। फोटोग्राफर पे क्लिक करते ही आपको यूज़र आईडी और ईमेल एड्रेस एंड सॉरी यूज़र नेम और अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ से आप अपलोड फ़ोटो कर सकते हैं और यहाँ से अपलोड वीडियोस, यानी आप फ़ोटो और वीडियोस दोनों ही अपलोड करके आप पैसे कमा सकते हैं। यहाँ से आप ड्राफ्ट है यानी कोई भी फ़ोटो आप ड्राफ्ट में रख सकते हैं, और फ़ोटो रिव्यू यानी इन रिव्यू, जब भी आप रिव्यू करेंगे कोई फ़ोटो आपने अपलोड की है तो सबसे पहले वो रिव्यू में जाती है और रिव्यू के 24 घंटे के अंदर तभी पब्लिश होती है, और पब्लिश होने के बाद आपको यहाँ शो करेगी। अगर किसी रीजंस के वजह से या पिक्सल में रिवोल्यूशन कम होगा तो उस वजह से रिजेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी रिजेक्ट में। इसके बाद यहाँ पे अर्निंग्स दिया हुआ है, यानी आप जिस फ़ोटो से जितना पैसा कमाते हैं तो यहाँ पे अर्निंग्स दी है, वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे पेमेंट्स पे क्लिक करके आप पेमेंट्स, अपना बैंक अकाउंट डिटेल, अपना नाम, आईएफएससी कोड वगैरह डाल के सेव कर सकते हैं, यानी कि जब भी आपको जो भी पैसे अर्निंग हो आपके सीधे उस बैंक अकाउंट में आ जाए। उसके बाद रेफरल कोड है, आप अपना चाहें तो रेफरल कोड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपकी ये शेयर लिंक है, यानी कि यहाँ से इसे कॉपी करके रख सकते हैं और जिसे भी चाहें आप वहाँ से शेयर कर सकते हैं, और जो भी लोग वहाँ पे परचेस करेंगे तो यहाँ पे आपकी पूरी इनकम दिखाएगी। यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन दी गई है, जैसे कि आपके मिनिमम अमाउंट में 10 रुपये होने चाहिए रिफ्लेक्टेड रेफरल अर्निंग करने के बाद आप इसे फ़ोटो को पब्लिश कर सकते हैं, और मिनिमम आपका बैलेंस जो है 100 रुपये रिक्वायर्ड होंगे जो कि आपको पे आउट कर सकते हैं आप।
उसके बाद अपनी बैंक डिटेल ही फिल करके आप निकाल सकते हैं, उसके बिना नहीं निकाल सकते। उसके बाद इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस दी गई है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि इसे अपलोड फ़ोटो कैसे करते हैं। यहाँ पे अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करते ही यहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज क्लिक हियर टू अपलोड करके आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कैसे करते हैं इन सभी चीज़ों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके साथ यहाँ से अपलोड की प्रोसेसिंग हो रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जेपीजी में ये एक फ़ोटो है, मैंने एक सेलेक्ट किया और उसके बाद कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है जिसमें अभी टाइम लगेगा। फ़ोटो अपलोड करने की कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है, जैसे कि पिक्चर में कंटेंट होना चाहिए, अपलोड पिक्चर विदाउट वाटर मार्क्स, यानी कि बिना वाटर मार्क का ही कोई पिक्चर अपलोड होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ दिया है कि गुड रिजोल्यूशन के लिए आपको 1800 से 500 है, 500 से 1800, मोस्ट फोन एंड DSLR में शूट आपको करने के लिए 4000 से 2000 पिक्सल्स की ही फ़ोटो होती हैं। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि डू नॉट अपलोड ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, यानी कि आप ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को अपलोड नहीं कर सकते। चलिए यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड हो चुकी, अब हम यहाँ पे ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। जो भी फ़ोटो आपने अपलोड की है वो सारी ड्राफ्ट में आ जाएगी, यहाँ ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने फ़ोटो आ चुकी है, आप यहाँ से फ़ोटो देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टाइटल आपको खुद से देना होगा और यहाँ पे जो भी यहाँ पे टैग्स हैं वो ऑटोमेटिक अपने से रीजनरेट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे सर्च मॉडल रील्स कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। यहाँ से लोकेशन देंगे, लोकेशन में मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ पुणे। चलिए पुणे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल आप दे देंगे, तो टाइटल देने के बाद आप यहाँ पे सेंड टू रिव्यू कर देंगे। सेंड टू रिव्यू करने के बाद आपके यहाँ पे इन रिव्यू में फ़ोटो आ जाएगी। यहाँ पे मैंने लिख लिया है, टाइटल दे दिया, इसके बाद मैंने अपना यहाँ पे इंडिया सर्च कर लिया। उसके बाद सेंड टू रिव्यू करेंगे। सेंड टू न्यू रिव्यू करने के बाद आपका रिव्यू में चला गया फ़ोटो। इसके बाद यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं, पिक्सल की टीम इसे रिव्यू में फ़ोटो को 7 दिन के अंदर अपना वेरीफाई कर लेगी और 7 दिन के बाद वेरीफाई करने के बाद यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर देगी। पब्लिश पे अपने आप फ़ोटो आ जाएगी। फ़ोटो का यहाँ पे 7 दिन के अंदर रिव्यू होगा। रिव्यू के बाद आपकी जैसी भी फ़ोटो पे कंफर्मेशन हो जाएगा उसके बाद उसे पब्लिश कर दिया जाएगा। पब्लिश में यानी कि यहाँ पे आप क्लिक करके आप पब्लिश देख सकते हैं। अदरवाइज़ किसी रीज़न से आपकी फ़ोटो रिजेक्ट हो जाती है तो रिजेक्ट में आपकी फ़ोटो आ जाएगी। इसके बाद आप फिर से चाहें तो अपनी फ़ोटो को अपलोड यहाँ से कर लेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप जैसे ही यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले ड्राफ्ट में आएगी, उसके बाद इन रिव्यू करने के लिए आप रिव्यू छोड़ देंगे तो ये 7 दिन के अंदर आपकी रिव्यू में चली जाएगी और रिव्यू में जैसे ही सिलेक्ट हो जाती है आपको यहाँ से पब्लिश कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी रिजेक्ट या किसी भी रीज़न से आपकी फ़ोटो रिजेक्ट होती है तो यहाँ पे रिजेक्ट में आ जाएगी। रिजेक्ट में फ़ोटो आने के बाद 21 दिन के बाद अपने आप ये रीडिलीट हो जाती है, मतलब आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही डिलीट हो जाएगी। अर्निंग्स पे क्लिक करके आप अपनी अर्निंग्स देख सकते हैं, जैसे कि जितनी भी फ़ोटो आपकी बिकी है यहाँ पे आपको अर्निंग्स दिखा जाएगा और यहाँ पे करेंट रेवेन्यू दिया है कि यानी कि आपको हर एक फ़ोटो पे आपको एक 20% दिया जाएगा और मिनिमम आपका जितनी भी फ़ोटो सेल होंगी उन पे 15 रुपये आपको दिए जाएंगे। इसके बाद पेमेंट पे यहाँ क्लिक करके आप पेमेंट अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। अर्थिंग्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा। जैसे कि फ़ोटो 1 से 10 फ़ोटो आपने अपलोड किया है तो 20%, उसके बाद यहाँ से पूरा दिया हुआ है डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। 5000 तक आपने अगर फ़ोटो अपलोड कर दिया, 50,000 तक, तो आपको 40% रेवेन्यू मिल सकता है। इसके साथ साथ ही आपको यहाँ पे वीडियो भी दिया गया है कि अगर आप वीडियो अपलोड कर देते हैं तो यहाँ से आपको इसका भी वीडियो का भी 40% रेवेन्यू आपको मिलेगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।